हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार ऋषियस क्लासेस पर स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पहला पेपर है जिसका नाम ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए है, उसके अंतर्गत जो हमारा यूनिट फर्स्ट है जिसमें हम केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स या फिर मैं कहूँ एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स के बारे में पढ़ते हैं, उसी का ही हम एक और टॉपिक का लेक्चर लेकर आ चुके हैं। हमने एल्केन्स के अंतर्गत काफी सारे टॉपिक्स पर बात कर लिया है। हमने पहले हाइड्रोकार्बन्स को स्टार्टिंग में समझा था, देन उसके बाद हमने बात करना स्टार्ट किया था कि एल्केन्स क्या होता है, जिसके अंतर्गत हमने जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। हर एक मेथड पर हमने डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। अब उसी को ही कंटिन्यू करते हुए इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स के बारे में सब कुछ डिटेल से समझेंगे कि इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। वैसे यह लेक्चर छोटा ही होगा क्योंकि हम इस लेक्चर में इसके सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए अपने इस लेक्चर की अब हम शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सभी चैनल पर पहली बार आए होंगे और अपने तैयारी को स्टार्टिंग से ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अगर आपको हमारे सारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे तो आप हमारे चैनल के मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हैं। और उसे ज्वाइन करने के लिए आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पर ज्वाइन बटन मिलेगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग अपने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, सभी चीज़ों को नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर अभी नोट्स बनाते तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उन्हें उनके लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। और हमारे जो पिछले लेक्चर्स हैं जिसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस किया है, तो उस प्लेलिस्ट को अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं तो आई बटन पर आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा या फिर लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग प्लीज़ पिछले लेक्चर्स को देख लीजिएगा जिससे यह लेक्चर आपको आसानी से समझ में आए, क्योंकि अगर आप लोग पिछले लेक्चर्स को नहीं देखेंगे तो आप हो सकता है काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज हो जाएँ, ठीक है। तो अब आप लोग अपने कॉपी में हेडिंग देना स्टार्ट करिए और सबसे पहले हेडिंग दीजिए कि हम पढ़ने वाले हैं जनरल प्रॉपर्टीज, ठीक है, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स, ठीक है। अब आपको यह बात तो समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पर हम जनरल वर्ड क्यों उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि हमने जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर भी बातें किया था, तो वहाँ पर आपको मैंने समझाया था कि हम जनरल वर्ड क्यों लिख रहे हैं, क्यों नहीं डायरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन लिख रहे हैं या फिर क्यों नहीं हम प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स लिख रहे हैं, बल्कि जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स हमने लिखा है। तो इसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक यही है कि मोस्ट ऑफ द एल्केन्स इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे, बट हो सकता है एक दो एल्केन्स ऐसे हों जो इस प्रॉपर्टी से थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉपर्टीज को शो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम जनरली यह बात करते हैं, जनरलाइज कर देते हैं कि सामान्यतः ऐसा होता है। तो अगर हम एल्केन्स के जनरल प्रॉपर्टीज पर बात कर रहे हैं तो किसी भी कंपाउंड का जब हम केमिस्ट्री में उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उन सभी प्रॉपर्टीज को हम दो प्रॉपर्टीज में डिवाइड कर देते हैं। मतलब यह है कि हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, जैसे कि हम सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, जैसे कि हमारे पास कोई भी एल्केन है, चाहे मेथेन हो, चाहे प्रोपेन हो, चाहे ब्यूटेन हो, चाहे एथेन हो, चाहे कोई भी हमारे पास एल्केन हो, तो उसे हम क्या करते हैं, फिजिकली चेक करते हैं। फिजिकली चेक करने का मतलब क्या हुआ कि ये किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, गैसेस स्टेट में है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। ये किस में घुल जाता है, किस में नहीं घुलता है, ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। और फिर उसके बाद हम और भी बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत हम सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं, इनका टेस्ट क्या है, ये इनका रंग क्या है, इन सभी चीज़ों पर हम बात कर सकते हैं। तो ये सभी जो हमारे पास प्रॉपर्टीज होते हैं इन्हें हम फिजिकली चेक करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में इन्हें पढ़ते हैं। लेकिन जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पर अगर बात करते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम पढ़ते हैं कि कोई भी हमारे पास एक एल्केन है तो उसे हम किसी रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो कौन सा प्रोडक्ट दे रहा है, इन सभी चीज़ों पर जो हम बात करते हैं तो वो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बहुत ब्रॉड टर्म है, ठीक है। लेकिन हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं जिससे कुछ आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली एल्केन्स क्या होता है,
ठीक है। और केमिकल प्रॉपर्टीज हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओवरऑल कहने का ये मतलब है कि अगर हम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स पर बात करते हैं तो इस प्रॉपर्टीज को हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। एक में हम पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, एंड दूसरे पॉइंट पर हम पढ़ते हैं कि ये हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो जब हम फिजिकली देखते हैं तो उसे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं, जब उसे हम केमिकली देखते हैं तो वो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाता है, ठीक है। तो हम अपने इस लेक्चर में, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पर बात करेंगे, तो चलिए अब एक एक करते हुए फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलो आप लोग अपने कॉपी में नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए आप लोग हेडिंग दीजिए PHYSICAL प्रॉपर्टीज, ठीक है। चलिए अब पढ़ाई भरी बातें करते हैं, क्योंकि हम प्यार भरी बातें तो कर नहीं सकते। ओके 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 ओके, ठीक है। चलो देखो, अगर बात करते हैं एल्केन पर, ठीक है, तो हम जब देखना शुरू करते हैं तो हमारे पास जो पहले चार मेंबर्स हैं, मतलब मेथेन हो गया, एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, ये जो हमारे पास चारों मेंबर्स हैं, ये ऐसा देखा गया कि ये कलरलेस होते हैं, टेस्टलेस होते हैं, यानी कि ये रंगहीन हैं, गंधहीन हैं, ठीक है, और ये गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, ओके। लेकिन इसके बाद के जो हमारे पास एल्केन्स हैं, जैसे कि अगर बात किया जाए पेंटेन से लेकर हेक्साडेकेन तक, यानी कि जो हमारे पास चार मेंबर के बाद जो हमारे पास लगभग 12 मेंबर्स हैं, वो सभी जो मेंबर्स हैं वो क्या होते हैं, वो कलरलेस होते हैं, टेस्टलेस होते हैं, यानी कि रंगहीन गंधहीन होते हैं, लेकिन ये लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। क्या होते हैं? लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। हमने पहले चार मेंबर्स को देखा कि वो रंगहीन हैं, गंधहीन हैं, यानी कि कलरलेस हैं एंड टेस्टलेस हैं, लेकिन वो गैसेस स्टेट में पाए जा रहे हैं। उसके बाद के जो हमारे पास 12 मेंबर्स हैं, वो हमारे पास रंगहीन हैं, गंधहीन हैं, लेकिन वो लिक्विड स्टेट में पाए जा रहे हैं। लेकिन उन 12 मेंबर्स के बाद के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, वो सभी के सभी रंगहीन होते हैं, गंधहीन होते हैं, यानी कि कलरलेस होते हैं एंड टेस्टलेस होते हैं, लेकिन वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। क्या होते हैं? सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। इट मीन्स दैट, इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जो एल्केन्स होंगे वो सॉलिड स्टेट में भी पाए जाएंगे, लिक्विड स्टेट में भी पाए जाएंगे और गैसेस स्टेट में भी पाए जाते हैं, ठीक है। ये तीन बातें हमने एक पॉइंट से समझा, ओके। अब अगर हम बात करते हैं तो एल्केन्स में बहुत सारी चीज़ें हैं। फिलहाल चलो अब इसके हम बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा देखा गया, क्या देखा गया कि हाँ चलो ऐसे समझाता हूँ इस चीज़ को। ऐसा देखा गया कि जैसे जैसे एल्केन्स के मेंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, मतलब जैसे हमने मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सारे मेंबर्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, यानी कि इनका जो मॉलिकुलर वेट है वो बढ़ता चला जा रहा है जैसे जैसे हम सीरीज में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसा देखा गया कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, वो भी इनके मॉलिकुलर वेट बढ़ने से बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। अब देखो, हमने आपको आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा था कि एल्केन्स में आइसोमेरिज्म पाया जाता है। जैसे कि अगर ब्यूटेन पर बात करते हैं तो हमने देखा कि हमारे पास ब्यूटेन है जिसे एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन कह रहे हैं, लेकिन उसमें हमने देखा था कि हमारे पास आइसोब्यूटेन भी पाया जा रहा है, मतलब अगर उसे हम आइसो फॉर्म में देखते हैं, आइसोमेरिज्म फॉर्म में देखते हैं, तो उसमें भी हमने देखा था। तो ऐसा जनरली देखा गया है कि जो स्ट्रेट चेन वाले हमारे पास हाइड्रो एल्केन्स हैं, वो जब ब्रांच चेन वाले एल्केन्स से कंपेयर किया जाता है, तो जो हमारे पास स्ट्रेट चेन वाले एल्केन्स होते हैं, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ब्रांच चेन वाले एल्केन्स से ज़्यादा होता है, ठीक है। नॉर्मली तो कहना चाहिए था कि इसका ज़्यादा होगा, ब्रांच वाले का, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि स्ट्रेट चेन वाले का ज़्यादा होता है, तो यह भी एक बात है। दूसरे और भी अगर बातें करते हैं तो इसमें और भी चीज़ें मैं आपको समझा सकता हूँ, चलो इस बात को भी डिस्कस कर लेते हैं। ऐसा देखा जाता है कि जो हमारे पास एल्केन्स होते हैं, ये पोलर बॉन्ड्स, नॉन पोलर बॉन्ड्स शो करते हैं, मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब इनमें कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो लगभग सेम होती है, कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम ही होती है, इसलिए इसमें कोई भी पोलैरिटी नहीं इंड्यूस्ड होती है, और जब पोलैरिटी इंड्यूस्ड ही नहीं होती है तो पोलर बॉन्ड्स बनेंगे ही नहीं, तो ये एक्चुअली
100% नहीं कह सकते, लेकिन 99% इनमें क्या होता है, कोवेलेंट करेक्टर ही होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जब ये पोलर बॉन्ड्स ही नहीं शो करते तो ये पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्वबल ही नहीं होंगे। यानी कि जैसे कि H2O अगर हम बात करते हैं तो H2O हमारे पास यानी कि वाटर में अगर हम एल्केन्स को घोलना चाहते हैं तो कभी भी सॉल्वबल नहीं होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे पास वाटर होता हुआ एक पोलर मॉलिक्यूल्स होता है, जबकि हमारे पास जो एल्केन्स हैं वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को जब भी हम पोलर मॉलिक्यूल्स में घोलने की कोशिश करेंगे तो वो कभी भी सॉल्वबल नहीं होते। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अच्छा, अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो नॉन पोलर में घुलेंगे, तो इसलिए जो हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, जैसे कि अगर बात किया जाए अल्कोहल पर, ईथर पर, ये सब, इन सभी में क्या होते हैं, ये सॉल्वबल हो जाते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पर नॉन पोलर और पोलर का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपको मैंने फिर भी कुछ हद तक चीज़ों को समझाने के लिए बता दिया है। ठीक है, तो फिलहाल बस इतना जानो कि ये जल में मतलब वाटर में सॉल्वबल होते हैं, जो हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें सॉल्वबल होते हैं, वाटर में सॉल्वबल नहीं होते हैं। ठीक है, अब इसी को ही और आगे कंटिन्यू करेंगे तो ऐसे भी आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो जैसे जैसे मॉलिकुलर वेट बढ़ता चला जाता है एल्केन्स का, ठीक है, यानी कि सीरीज में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाते हैं तो उनका जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्विलिटी होती है वो घटती चली जाती है। ठीक है, तो ये मतलब मोटा मोटा चीज़ें मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उनकी ज़रूरत नहीं है, चलो लिखना शुरू करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग लिखिए और चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आप लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज में लिख सकते हैं कि देयर आर फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स, और सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज यही लिख लीजिए कि जो हमारे पास हमारे प्यारे एल्केन्स होते हैं ना, एल्केन्स आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, दूसरे फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जब ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो ऑफ कोर्स ये पॉइंट आप लोग जरूर मेंशन कर लीजिएगा कि एल्केन्स जो होते हैं, ठीक है, एल्केन्स आर ऑलमोस्ट, ठीक है, ऐसे लिखिए, ऑलमोस्ट इनसॉल्वल, ठीक है, इनसॉल्वल इन वाटर। ठीक है, मतलब जल में ये बहुत रेयरली चांस होता है कि ये घुल पाए, और घुलेंगे भी तो बहुत थोड़ा सा घुलेंगे, मतलब लगभग नहीं घुलते हैं। ठीक है, ऐसा बात लिखिए। तीसरा फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप लिख लीजिए कि जो हमारे पास एल्केन्स होते हैं ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल जाते हैं, तो एल्केन्स आर सॉल्वबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, अब ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के कुछ एग्जांपल्स लिख लीजिए फटाफट से, जैसे कि अगर बात किया जाए तो एग्जांपल के तौर पर, ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पर आप लिख लीजिए कि हमारे पास है एल्कोहल, तो चलो मैं एथिल एल्कोहल लिख दे रहा हूँ। ठीक है, एथिल एल्कोहल, ठीक है, ईथर लिख लीजिए, ETC कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन पॉइंट्स हो गए। चलो एक दो और पॉइंट्स मैं लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है, टोटल पांच पॉइंट्स लिख लीजिए। चौथे पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं तो जो हमारे पास एल्केन्स होते हैं ना, एल्केन्स कैन बी सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस, ठीक है, गैसियस इन नेचर लिख लीजिए। ठीक है, ये हमारे पास चौथा पॉइंट हो गया। पांचवें पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं तो वही पॉइंट लिख लीजिए कि हमारे पास जो एल्केन्स होते हैं, ठीक है, एल्केन्स आर कलरलेस, ठीक है, कलरलेस एंड टेस्टलेस। ठीक है, तो एल्केन्स जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं और टेस्टलेस होते हैं। टोटल पांच ही फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखिए, इनके अलावा और भी फिजिकल प्रॉपर्टीज मैं लिखवा सकता हूं, लेकिन उनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, छोटा ही लेक्चर रखेंगे हम, इन चीज़ों को यहीं पर समाप्त करेंगे। एक्चुअली केमिकल प्रॉपर्टीज भी मैं डिस्कस करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन
लेकिन मैं केमिकल प्रॉपर्टीज इस लेक्चर में डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि हमें सबसे पहले यही बात करना है कि हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स क्या होता है। तो उसमें हमें काफ़ी सारे टॉपिक्स को बहुत ही समराइज करते हुए पढ़ना है, ठीक है। कुछ भी चीज़ें हम अलग से नहीं डिस्कस कर सकते उसमें। ऐसा नहीं करूँगा कि मैं आधे लेक्चर में समाप्त करूँ और फिर आधी चीज़ों को मैं अगले लेक्चर में समझाऊँ, क्योंकि आप लोग वहाँ से चीज़ें समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं इस लेक्चर को छोटा रखूँगा, चीज़ों को यहीं समाप्त करूँगा। अगले लेक्चर में जो हम मिलेंगे तो हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर बात करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इनके अलावा भी जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताया उन सभी चीज़ों को भी आप फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करते हुए जरूर हमें बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और इस चैनल पर पहली बार आए होंगे, अपने तैयारी को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे हमारे अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो हमसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।